इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है ये जानकारियाँ अलग अलग जगहों से लिया गया है, जैसे गूगल, न्यूज़पेपर आदि। दोस्तों, आज का विषय है जाट रेजिमेंट। जाट कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं और इनका पेशा क्या है, और ये इंडियन आर्मी में इनका योगदान कैसा रहा है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देख के जाइएगा। प्राचीन काल से युद्ध कला में निपुण रहे जाट मुख्य रूप से खेती और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जाट अच्छे योद्धा माने जाते थे और इसलिए भारतीय सेना में इनकी खुद की जाट रेजिमेंट नाम से एक रेजिमेंट है। जाट मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से आते हैं। जाट रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। यह सेना की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार विजेता रेजिमेंट है। रेजिमेंट ने वर्ष 1839 से 1947 के बीच 19 और स्वतंत्रता के पश्चात 8 महावीर चक्र, 8 कीर्ति चक्र, 32 शौर्य चक्र, 39 वीर चक्र और 170 सेना पदक जीते हैं। जाट रेजिमेंट ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध सहित भारत और विदेशों में अनेक युद्धों में भाग लिया है। जाट प्राचीन काल से ही बलवान और हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। माना जाता है कि रेजिमेंट की शुरुआत 1795 में कोलकाता नेटिव मिलिट्री द्वारा की गई थी। एक रहकर संघर्ष करना ही जाट रेजिमेंट की पहचान है, इसलिए संगठन और वीरता इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है। यह रेजिमेंट जब युद्ध के मैदान में उतरती है तो जाट बलवान जय भगवान की नारा लगाती है। जाट रेजिमेंट के लोगों में रोमन अंक 9 यानी 9 है, जो रेजिमेंट की 9वीं बटालियन का प्रतिनिधित्व करता है। इस अंक के ऊपर की ओर सत्यमेव जयते अंकित है। वर्तमान समय में रेजिमेंट की 24 बटालियन है। प्रत्येक बटालियन में 850 सैनिक होते हैं। इस रेजिमेंट में तकरीबन 96% जाट है तथा एक बटालियन में अहिर, गुजर और राजपूत सभी को शामिल किया गया है। इस रेजिमेंट का मुख्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश में है। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल फैजल मुकीम खान ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान क्राइसिस इन कमांड में जाट रेजिमेंट के बारे में लिखा था। हमने 3 दिसंबर 1971 को अपनी पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ भारतीय सेना पर हुसैनी वाला के पास हमला किया और कुछ ही क्षणों में हमने भारतीय सेना के पांव उखाड़ दिए। उनकी अधिकांश महत्वपूर्ण सुरक्षा चौकियां अब हमारे कब्जे में आ चुकी थी। जल्द ही हमारी सेना कोसरे हिंद पोस्ट के समीप जा पहुंची। वहां भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी उस पोस्ट की सुरक्षा में तैनात थी। एक छोटी सी गिनती वाली जाट रेजिमेंट की टुकड़ी लोहे की दीवार बनकर पाकिस्तानी सेना पर भूखे शेरों की तरह और बाज से भी ज्यादा तेजी से आक्रमण किया। भारतीय सेना के ये सभी सैनिक जाट थे। इस आमने सामने की लड़ाई में जाट रेजिमेंट के जाट सैनिक इतनी बेमिसाल बहादुरी और जोश से लड़े कि हमारी सभी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, हमारी सभी आशाएं धूमिल हो गई। हमारे सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया और हम वह जंग हार गए। स्वतंत्र भारत में जाट रेजिमेंट 1947-48 के जम्मू और कश्मीर में, 1962 के चीन युद्ध, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष सहित श्रीलंका और सियाचिन में भी उन्होंने गौरवान्वित किया। सन 1999 कारगिल में जाट रेजिमेंट के 5 बटालियों ने अग्रिम मोर्चे पर जंग लड़ी और उस जज्बे और बहादुरी का प्रदर्शन किया जिसके लिए ये रेजिमेंट पहचानी जाती है। 1999 कारगिल संघर्ष के दौरान अपने अदम्य साहस प्रदर्शन के लिए कैप्टन अनुज नायर को महावीर चक्र मिला। वह 17वीं बटालियन के जाट रेजिमेंट के अफसर थे। माना जाता है कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जब भारत में मुगल का दौर था तब राजा सूरजमल ने मुगल फौज से लड़ने के लिए जाट रेजिमेंट की शुरुआत की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध में जाट रेजिमेंट ने अहम भूमिका निभाई थी। 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। यह युद्ध इसलिए लड़ा गया था क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने भारत के जमीन पर कब्जा करने की कोशिश को लेकर घुसपैठ कर दी थी। अपनी इस नापाक हरकत में पाकिस्तान कामयाब भी हो गया था, लेकिन अंतिम समय में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की हर चाल को विफल कर दिया। जाट रेजिमेंट भारतीय सेना का एक ऐसा चमकता सितारा है जिसकी रोशनी से भारतीय सेना का इतिहास जगमगाता है। 1999 में उमेश सिंह बावा ने कारगिल के युद्ध में दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। वही इस युद्ध में जाट रेजिमेंट के एक और वीर पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त कर गया था। 17 जाट बटालियन में तैनात कैप्टन अनुज नायर ने पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध के मैदान में ही रोके रखा और आगे नहीं आने दिया। अंत में वह वीरगति को प्राप्त हुए। कैप्टन अनुज नायर को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया।
वहीं ब्रिगेडियर उमेश सिंह बाबा, मेजर दीपक रामपाल, हवलदार कुमार सिंह सोगरवाला और हवलदार शीश राम को वीर चक्र से नवाजा गया। जाट रेजिमेंट की बहादुरी के बारे में जितना भी बोलू कम है। नमन है ऐसे वीर सपूतों को जो अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हैं। सत सत नमन। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं डायनेमिक सक्सेस यूट्यूब चैनल। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में ही बेल आइकन वाला बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।